हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं खुशबू आज आपको टमाटर और प्याज की नमकीन तीखी चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो किसी भी पराठे के साथ आप बड़े चाव से खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, घर का जायका विद खुशबू। फ्रेंड्स, 4-5 लाल बड़े टमाटर लेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब टमाटर पर सरसों का तेल लगाकर इसको पकाइएगा। फ्रेंड्स, सरसों का तेल लगाने से आपका टमाटर जब पक जाएगा तो उसको छीलने में आसानी होगा। फ्रेंड्स, उलट पुलट करते रहिएगा ताकि आपका टमाटर फ्रेंड्स जले ना। फ्रेंड्स देखिए, टमाटर पक रहा है। फ्रेंड्स, टमाटर पककर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अब इसे निकाल कर साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, ठंडा होने से आपका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा टमाटर का। फ्रेंड्स, टमाटर का छिलका निकालने के लिए आप इसे पानी में मत डालिएगा। पानी में डालने से टमाटर का स्वाद बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स, अब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो इंग्रेडिएंट्स ये हैं। फ्रेंड्स, अब एक बाउल लेंगे, उसमें टमाटर को मैश करेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर को अच्छी तरह से मैश कीजिएगा। फ्रेंड्स, टमाटर हमारा मैश हो रहा है। फ्रेंड्स, हमारा टमाटर मैश हो गया। फ्रेंड्स, अब इसमें हम कटी हुई प्याज बारीक कटी हुई हरी मिर्च कटा हुआ लहसुन और टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम भुना हुआ लाल मिर्च कूट कर डालेंगे हाथ से। फ्रेंड्स, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा टमाटर का चटनी तैयार है। इसको टेस्ट करने के लिए किसका नमक सही है या नहीं, इसको टेस्ट करिएगा। फ्रेंड्स, इसमें नमक ठीक है। फ्रेंड्स, अब इसे सर्व करने के लिए एक छोटी कटोरी में ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।